हम लोग आते थे सिंगी लगाने के लिए, सिंगी लगाने के लिए। सिंगी वाले आपने सुना होगा, वही यही सरंगी है आजकल। अच्छा। तो हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे वाली शाम का ही व्लॉग है, जब मैं मार्केट आई थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं माया कलेक्शन शॉप पे गई थी, तो वहाँ मुझे उस टाइम पे सूट नहीं मिले। सो फिर मैं ये अपनी फ्रेंड्स रंजना और विदुषी की शॉप पे आ गई हूँ। मैंने चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों से मिलना भी हो जाएगा और अगर सूट पसंद आएंगे तो साथ में शॉपिंग भी कर लूँगी। तो रंजना यहाँ पर मुझे सूट दिखा रही है, जो भी मुझे समझ में आता है। बहुत सारे सूट दिखाए हैं उसने मुझे और सारे सूट ना बहुत अच्छे थे। और ये शॉप हाथरस में बागला कॉलेज रोड पर UP 86 फैशन स्टूडियो नाम से है और काफ़ी अच्छी शॉप है। और यहाँ पर सूट, साड़ी, टॉप, जीन्स सब मिल जाता है और एक से बढ़कर एक क्वालिटी मिलती है और रीजनेबल प्राइस पर मिलते हैं। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स की शॉप है, बल्कि वाकई में यहाँ पर जो है सूट, साड़ी वगैरह अच्छे मिलते हैं, सही रीजनेबल रेट पर मिल जाते हैं। और मुझे भी यहाँ कई सारे पसंद आए थे, लेकिन अब इतने सारे तो लेने नहीं थे, तो मैंने यहाँ से 2 जोड़ी सूट खरीदे हैं। और फ्रेंड्स अभी संडे की सुबह का टाइम हो रहा है, मैं लगा रही पूरे घर में पहुंचा। सैटरडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। और आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं मम्मी की मैक्सी ले आई हूँ पहनने के लिए और बस यही एक मैक्सी पहन करके रहती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे मैं मैक्सी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन अभी बीच में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जब हॉस्पिटलाइज हुई थी तो फिर मुझे उस टाइम पर मैक्सी पहननी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जो है तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर जो है फिर मैं ये मैक्सी यहीं पर ले आई हूँ मम्मी की। और अब एक मैक्सी नहीं खरीदी भी है मैंने, बट वो वहीं आगरा में फिटिंग के लिए डाल रखी है मैंने। और वैसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, कभी कभार ये मैक्सी डाल लेती हूँ, या तो रात को सोते टाइम या फिर सुबह जब काम करना होता तब कभी कभार ही डालती हूँ बस। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ कपड़े धुल रही हूँ, कपड़े धुल करके फिर मैं नहाऊँगी। और आज मैंने जो अपनी बेड शीट भी धुलने डाल दी है, दूसरी बेड शीट बिछाऊँगी बेड पर। और ये ब्लैंकेट भी धुलने डाल दिया है क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से धुला नहीं है, जब से आया तब से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आज मैंने इसे भी डाल दिया धुलने के लिए। और आज मुझे कपड़े धुलवाने में इनकी भी हेल्प लेनी पड़ी है क्योंकि ये ब्लैंकेट अकेले मेरे से निकल ही नहीं रहा था, निचोड़ते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि एक तो ये डबल बेड का है, फिर ऊपर से पानी की वजह से इसका वज़न और ज़्यादा बढ़ गया था, तो निचोड़ते ही नहीं बन रहा था मेरे से। तो फिर मैंने इनको बुलाया है, फिर हम दोनों ने ही मिलकर इस ब्लैंकेट को पानी में से निकाल पाया है। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, इस बेड पर बेडशीट नहीं बिछा पाई थी, तो अभी ये बेडशीट बिछा दे रही हूँ मैं। और इसके साथ पिलो कवर नहीं है, तो पिलो कवर तो जो है मैं पुराने वाले ही चढ़ा दूँगी पिलो पे। और ये वाली बेडशीट भी बिल्कुल फिट ही है, मतलब लंबाई में तो ठीक है बट चौड़ाई में जो है फिट ही है, ज़्यादा जो है फोल्ड अंदर मुड़ नहीं पाती है। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मौसम तो खैर 2-3 दिन से अच्छा ही हो रहा है, खूब ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी बिल्कुल लगती ही नहीं है, मतलब कूलर चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, रात में पंखे में आराम से नींद आ जाती है। और ये जो बेड शीट और ब्लैंकेट धुले हैं ये मैंने बाहर छत पर डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि अंदर तो इतनी जगह नहीं है। जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो तो अंदर ही डाल दिए हैं मैंने, बाकी ये बेड शीट और ब्लैंकेट यहाँ डाल दे रही हूँ। और आज ये भी घर पर हैं तो ये अपना देखते रहेंगे, बंदरों की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से सूख भी जाएंगे जल्दी से। और खाने में मैं आज गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सुबह ही सब्ज़ी मंडी से लेकर के आए हैं गोभी, तो वही मैंने आज बना दी है। और आज इनके एक दोस्त भी आ रहे हैं इसलिए सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है मैंने। और जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बूंदी का रायता और बना करके रख दूँ, दही चला करके मैंने पहले ही रख दिया था, बस इसमें ये जीरा भून करके डाल दे रही हूँ। और नमक मिर्च तो मैं बाद में डालूँगी और बूंदी ऐड कर दूँगी बस, अभी नमक मिर्च बाद में डालूँगी, जब सब खाएँगे तभी डालूँगी क्योंकि फिर खट्टा हो जाएगा दही रायता ये।
और यहाँ पर देखिए तांशु की पढ़ाई हो रही है और आज बाप बेटे दोनों देखो एक ही कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं और पढ़ाई कैसे हो रही, खीरे खाते जा रहे हैं और पढ़ाई होती जा रही है इन दोनों की। और ये खाने की थाली रेडी है, रोटी, गोभी आलू की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, सैलेड में खीरा है, प्याज जो है कच्ची प्याज वो भी खाते नहीं है, और मीठे में है ये गुलाब जामुन। तो आ जाइए लंच कर लेते हैं। और मैं आपसे इनके जिन दोस्त के बारे में आने के लिए बोल रही थी, तो ये आ गए हैं भैया। और ये मतलब ये भैया ने इनके साथ जो है बीएड की है, काफ़ी पुराने दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और ये भैया योगा सिखाते हैं और इन भैया ने बाबा रामदेव जी के साथ हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में 8 साल तक काम किया है। और अभी मैंने भैया के लिए खाना लगा दिया है और पहले तो मैं चाय बनाने जा रही थी, मैंने कहा पहले चाय नाश्ता करवा दूँ उसके बाद फिर खाना करूँगी, बट भैया ने मना कर दिया कि चाय वो पीते नहीं, तो फिर मैंने सीधे खाना ही लगा दिया है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, दोपहर के 1:30 बज रहे थे और भैया अपनी योगा क्लास से सीधे यहाँ आए थे। और अभी यहाँ पर भैया इनकी ये कप थेरेपी कर रहे हैं, इनके बैक में काफ़ी पेन रहता है, बहुत मतलब दवाइयाँ खा ली डॉक्टरों से, बहुत इलाज भी करवा लिया, बेल्ट भी बांधते हैं, बेल्ट बांधने से तो खैर इनको थोड़ा सा आराम मिला है बट फिर भी पूरी तरीके से इनको जो है बैक पेन में आराम नहीं मिला है। तो ये भैया कप थेरेपी कर रहे हैं इनके बैक पेन के लिए, एक बार पहले भी कर चुके और अभी दूसरी बार कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर इनको पेन फील हो रहा है उसी पॉइंट पर भैया ने ये कप रखा हुआ है, और कप रख करके फिर उसके ऊपर से ना प्रेशर डाला जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कप के अंदर इनके जो बैक की स्किन है थोड़ी सी फूली नज़र आ रही होगी। और ये थेरेपी से ना क्या होता है, जो अंदर टॉक्सिन होते हैं ना, मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा जो बॉडी में अंदर जहर हो जाता है ना, वो उसको निकालने का काम करता है ये। और थोड़ी देर तक कप रखा रहा था, उसके बाद फिर ये कप हटा करके भैया ने जगह जगह उसी पॉइंट पे जगह जगह सुई से होल किए हैं ताकि जो गंदा खून है वो बाहर निकल जाए, मतलब होल करने के बाद फिर से जो कप रख दिया उसके ऊपर, और धीरे धीरे जितना भी गंदा खून होगा ना वो बाहर निकल के आ जाएगा। और अभी भैया ने कप हटा दिया है और ये देखिए जितना भी गंदा खून निकला है कॉटन से पहुंच दिया है, और इसके बाद इसके ऊपर हल्दी लगा दी है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और कमर के दर्द के इलाज के बाद अब इनकी जो है गर्दन के दर्द का इलाज हो रहा है, तो इनके जो गर्दन में भी काफ़ी दर्द रहता है, और यहाँ पर भैया श्रृंगी चिकित्सा से इनके गर्दन के दर्द का इलाज कर रहे हैं। श्रृंगी चिकित्सा में ये गाय का सींग है, ओरिजिनल सींग है, और उसे भैया ने जो है इनके गर्दन के पॉइंट पे रखा है और उससे जो है मुँह से उसमें प्रेशर बना रहे हैं हवा डाल करके, और फिर उसके ऊपर गोंद लगा दिया जिससे कि जो प्रेशर है वो बाहर ना निकले, सारा प्रेशर इस सींग के अंदर ही रहे ताकि इनके गर्दन में जो दर्द है वो खिंच सके। जो दर्द होती है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो नितांशु मिला हुआ होगा भैया को, तो है ना क्या नगरियों का पापा पीठ पे भी ऐसा ऐसा है यहाँ पे भी मेरा प्रमुख क्षण नहीं कर रहा अभी ये होता है ये क्या है हाँ थोड़ी चुप रहा भैया इसमें हम कट लगा के भी करते हैं पर हाँ। आज हम कट नहीं लगा रहे इसमें इससे ब्लड निकलता है हाँ। गंदा ये गंदा खून को ये खींचती है अच्छा। दर्द को खींच लेती है जहाँ पे दर्द होता है ना हाँ। उसी जगह पे इसको लगाते हैं तो दर्द को खींच लेगी ये दर्द को खींच लेती है इस रंग की चिकित्सा जो पहले ना पुराने जमाने में गाँव गाँव लोग आते थे सिंगी लगाने के लिए सिंगी वाले आपने सुना होगा वही यही श्रृंगी है आजकल अच्छा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में ये बहुत लगाई जा रही है स्वामी रामदेव के यहाँ पे और दर्दों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है लग रही है पूछो पापा से देखा तांसु लगवाए एक बार तो मालूम पड़े तांसु भी
कि लग रही है नहीं लग रही है। दस लगा लो एक बार लगा नहीं निकलता है तो वैसे थोड़ी सांस लेंगे बैठ जाओ लगा दो आजा 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 इसे तो लगा दिया ना कुन्नी निकला तो तू ही लगानी पड़ती है। अरे ले दे चलो ऐसे नहीं करते चलो और तांशु बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे, पापा से बार बार पूछे जा रहे थे पापा पेन तो नहीं हो रहा पेन तो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा तांशु आप एक बार आप भी करवा लो, आप भी बोलते रहते ना कि हाथ में पेन हो रहा है पैर में पेन हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसे आप भी करवा लो एक बार आपका सारा पेन जो है दूर हो जाएगा। तो जैसे इसने देखा ना पापा की पीठ में से खून निकला ऐसे ही घबराने लगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं करवाना। और हाँ उसके लिए तो तैयार हो गए जो शृंगी चिकित्सा थी ना, क्योंकि उसमें वो जो उनकी गर्दन पर लगाई थी क्योंकि उसमें खून नहीं निकल आता, तो उसके लिए तैयार हो गए आराम से कराने के लिए। और भी भैया जा रहे हैं क्योंकि शाम को 4 बजे इनकी योगा सिखाने की क्लास है। और ये देखो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम के हाल देखो बारिश होने लग रही है। हाँ चले जाओ मैं नहीं जाऊँ यार पानी देखो ये देखो पानी यहाँ तक आ रहा है अभी मतलब अभी तो हल्की देखो मतलब ये बारिश ना तो हल्की है ना इतनी तेज है बट भीगने वाली बारिश है। तेज तो है यार इतनी हल्की भी नहीं है मैं सोच रही थी हल्की है जब बाहर हो तो मालूम पड़ेगा कितनी तेज हल्की है। नहीं बारिश तेज है वाकई में तेज हो रही है बारिश, मुझे लग रहा था कि हल्की हो रही है बट तेज हो रही है बारिश, भीग जाऊंगी मैं पूरी। पानी देखो यहाँ अंदर तक आ रहा है ये देखो एक्चुअली क्या रहा है हवा भी चल रही है और ये देखो दो छोटे छोटे बंदर कैसे कैसे छिपके बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बेचारे सही में यार कहाँ देखो 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 भागे भागे बारिश से बच रहे हैं। तेरी वीडियो देख के शर्मा गए मेरी वीडियो देख के शर्मा गए तांशु बंदर लैपटॉप चला रहे हो बहुत ज्यादा लैपटॉप वाले हो गए हो आप हैं लैपटॉप लैपटॉप चला रहे हैं हमारे तांशु बाबू लैपटॉप। क्या बना रहे हो लैपटॉप में आप? ड्राइंग कर रहे हो तो क्या बना रहे हो? हाउस कहाँ है हाउस? पहले बनाओ तो सही तभी तो दिखाएंगे बनाया है नहीं क्या दिखाएं तिरंगा वो तो देखा था मैंने बाद में दिखाएंगे पहले हाउस बना लेंगे तांशु को हाउस दिखाएंगे हम